2020 चुनाव के पहले दिल्ली के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का लोकल सर्वे दिल्ली दिल से। ओवर हेड्स केबल्स के लिए तो मैं यही कहूंगा कि भाई ये तो बहुत ही बढ़िया और वेस्ट पटेल नगर की शान है। नेता लोग को तो खाली वोट चाहिए। आज टीम नो द नेशन पहुंची है पटेल नगर। आइए पटेल नगर के निवासियों से जानते हैं दिल्ली दिल से क्या चाहती है। आइए पटेल नगर के निवासियों से जानते हैं उनकी समस्याएं। पटेल नगर के निवासी हैं, लेकिन ना इस रोड नहीं बन पा रही। इनू 5 साल हो गए ने, अग्गा बन गया पीछा नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहे, किस कारण तो नहीं बन रहे, ये रीजन नहीं सानू अज तक पता लगा। कभी कह रहे कि बिल पास नहीं हो रहे, कभी कुछ कर रहे, कभी कुछ कर रहे। ऐसा कुछ नहीं हैगा, सब कुछ हैगा, लेकिन बनाना नहीं चाह रहे। गवर्नमेंट इन्नी कमीनी है, मैं तुम दसदा, बस इन्ना ही कह सकते हैं। तो आपको रोड की प्रॉब्लम है, आप चाहते हो बस रोड ठीक हो जाए। रोड भी ठीक हो जाए, नाले इतने जोड़ा पेड़ पौधे ने इन्हों ना कोई देता ना कुछ। अभी तो जो छोटी मोटी कटाई कटुई कर लेने चल ठीक जाए चल जाता। पानी भी असं खुद दे रहे हैं, इतने कोई देखने ही नहीं आता कि पेड़ पौधे है भी कि नहीं है, पोल्यूशन क्यों है, किस कारण तो किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। वो कह रहे पराली जल गई, पराली कितों जल गई, इतने पोल्यूशन ही नहीं है, पराली कितों जल गई। सब तो वाला रीज़न है इतने रिक्शे का, रिक्शे वाले हट जाएंगे तो बहुत सुखी हो जाएगा। लेकिन करो ऐ नहीं कि बेचारे गरीब आदमी हटाओ, उन्होंने इसे इस तरीके ना कर दो कि उन्हें पार्किंग बन जाए, कि रिक्शा भी लगे आराम ना बंदे गड्डिया, इतने गड्डिया टुटदियां ने लोगों दियाँ, लोग बड़े परेशान ने, परेशान नहीं बहुत परेशान ने, इसलिए थोड़ा हिला करो कुछ करो। मैं पटेल नगर रहता हूँ, यहाँ पे झपटमारी बहुत है, बहुत चोरी चोरी चकारी बहुत होती है, पुलिस भी एक्शन नहीं लेती उस पर। बसों में भी कई बार फोन चोरी हो जाते हैं, और यहाँ पे रिक्शा वगैरह में भी कोई जा रहा होता है उससे उनके पास से भी कई पर्स, लेडीज से पर्स लेके खींच के चले जाते हैं। आइए अभी रिक्शे वाले से जानते हैं पटेल नगर में क्या प्रॉब्लम्स है। पटेल नगर में प्रॉब्लम ये है कि जाम लग जाता है, जैसे गाड़ियाँ बड़ी बड़ी कारें हैं रॉन्ग साइड आ जाती है, मान के चलो उनको दूसरी तरफ जाना है वो इधर से कट जाते हैं, उधर से भी कट जाते हैं, इस करके यहाँ पे जाम की प्रॉब्लम आती है। आपको कैसे क्या लगता है कि कैसे हम लोग ये पार्किंग का जाम का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं? जाम का प्रॉब्लम तो ऐसे सोल्व हो सकता है कि जैसे छुट्टी का टाइम है, स्कूल के टाइम पे छुट्टी हो रही है, छुट्टी के टाइम पे जो गाड़ियां नो पार्किंग में जाती हैं, जो नो पार्किंग की जाती है उस गाड़ी को रोकी जाए, बड़ी गाड़ियां जैसे आती है अंदर की तरफ वो रुकी नहीं चाहिए, इस करके जाम में सॉल्व हो सकता है। तो रिक्शा को भी कुछ थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए आपके हिसाब से? रिक्शा भी कंट्रोल होना चाहिए, बाकी रिक्शे की वजह से भी अधिकतर जाम ही रहता है। तो आपको लगता है अगर हम यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस डिप्लॉय किए जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? ट्रैफिक पुलिस डिप्लॉय भी किया जाए तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पर ट्रैफिक पुलिस भी उस हिसाब से चले ना, ट्रैफिक पुलिस तो जैसे अपना उधर खड़ी हो जाती है उधर खड़ी हो जाती है, वो जाम में थोड़ा ध्यान देती हैं। हम आप पहुंचे हैं वेस्ट पटेल नगर। आइए यहाँ के स्थानीय निवासियों से जानते हैं उनकी समस्या। प्रॉब्लम तो मेन यही है कि जब बारिश होती है तो मेन सारा ऊंचाइयों से पानी बह के सारा नीचे वेस्ट पटेल नगर आता है, और यहाँ तमाम इतने गड्ढे हैं कि कुछ कभी अंदाजा ही नहीं होता, तमाम एक्सीडेंट होते रहते हैं। बुजुर्ग लोगों को ज़्यादा समस्या है, और अगर कहोगे ट्रैफिक को लेके तो ई रिक्शा वगैरह सब कुछ जायज़ है, हर चीज़ के लिए कमाने का मौका होना चाहिए, लेकिन कभी गड्ढों को लेके, ट्रैफिक को लेके और बारिश का पानी भरना, ये सबके लिए ही समस्या है। अच्छा, ये ओवरहेड केबल्स के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? ओवरहेड केबल्स के लिए तो मैं यही कहूँगा कि भाई ये तो बहुत ही बढ़िया और वेस्ट पटेल नगर की शान है, अगर ये ना हो तो कौन कहेगा। ये वेस्ट पटेल नगर नहीं, पूरी दिल्ली में ये चीज़ें हैं, और पेड़ तो बचे नहीं तो पक्षी कहाँ बैठेंगे, तारों पर बैठेंगे। तो ये तारे तो सिर्फ पक्षी वालों के लिए, क्योंकि बिजली तो केजरीवाल जी ने फ्री दे ही दी है, तो उसके हिसाब से ये तार भी बेस्ट है, ना उतरवाएं तो बढ़िया ही है। अच्छा लग रहा है यहाँ पे, लगता है हाँ भाई इंडिया में बहुत तरक्की हो रही है। तो आप खुद ही देख रहे हो तार गिनती के 2-4 हैं, ज़्यादा नहीं है इसमें, बाकी सब ठीक ही है। तो आप हैप्पी हो ये तारों से कि ये आपका व्यंग था? नहीं, हैप्पी तो मैं तब हूँगा जब थोड़ा तेज बारिश हो, पानी भरे और मुझे भी एक तार का करंट लगे तो मुझे पता लगेगा हाँ भाई आई एम हैप्पी, बहुत बढ़िया है, मेरे लिए गिफ्ट मिला। तो तारों की समस्या मैं ही नहीं, कैमरा ऊपर करेंगे तो आपको खुद ही दिख जाएगा वहाँ पे। बाकी मैं कौन हूँ, यहाँ के MLA हैं, सब हैं, उन सबसे इस चीज़ के बारे में बातें कीजिए। यहाँ पे खड्डों की बड़ी दिक्कत है, खड्डे हैं गलियों में बहुत हैं, रोड पे तो सही हो जाते हैं लेकिन गलियों में नहीं होते।
जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पाइपलाइंस रोड के ऊपर है, क्योंकि लोगों को वाटर कनेक्शन नहीं मिल रहा है। वाटर कनेक्शन तो है लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। आइए हम यहाँ के स्थानीय निवासी से जानते हैं उनकी क्या समस्या है। यहाँ पे चलने में दिक्कत होती है और बच्चे बुजुर्ग आदमी चलते सब गिर जाते हैं, कितने को चोट लग चुकी है। पानी तो खैर आता ही नहीं है, पाइपलाइन डाली हुई है, किसी को इतना पानी नहीं मिलता, गंदा पानी आता, पीने वाला पानी है ही नहीं। तो ये सरकार ने पाइप लगाई है कि आप लोग ने लगाई है? सरकार क्यों लगाई है, हमने खुद ने लगाई है। तो कितना खर्चा उठता है आपका ये पाइप की लाइन लगाने में? कोई 10,000 देता है, 10,000 तो लगते हैं मैक्सिमम। जी हम बलजीत नगर में रहते हैं, यहाँ पानी की बहुत समस्या है। एक तो सुबह गंदा पानी आता है, 5-10 मिनट पानी आने के बाद फिर पानी चला जाता है, और बीच में 2-4 बाल्टी सही आता है, लास्ट में फिर गंदा पानी आता है। तो ये प्रॉब्लम कब से है आपको? 1 साल से हो गया है प्रॉब्लम, तो पहले सही आता था, ये बीच में ऐसा होने लगा है। नेता लोग को तो खाली वोट चाहिए, उनको वोट चाहिए, उनको जीतना चाहिए, और कितना प्रॉब्लम सबको हो रहा है, ये जनता के लिए वो नहीं मरते, अपने लिए मरते हैं। यहाँ पानी की पाइपलाइन डले हुए लगभग 12 साल हो गए हैं। 12 साल पहले भी 20 मिनट पानी आता था, आज 12 साल के बाद भी 20 मिनट पानी आता है। और उसके अलावा पहले पॉपुलेशन एक एक घर था, ग्राउंड फ्लोर बनी हुई थी, आज मकान चार फ्लोर हो गए हैं। तो पानी का पीछे से प्रेशर बढ़ना चाहिए, अगर पहले 20 मिनट आता तो आज 5 गुना पानी होना चाहिए, पब्लिक 5 गुना बढ़ गई है, पानी वहीं का वहीं है, पानी गंदा आता है, इतना गंदा है पानी है कि अगर आप पहले 1-2 मिनट खोलेंगे तो ऐसा पानी आएगा जैसे गटर का पानी निकल रहा है। जिसका घर यहाँ से 500 मीटर आगे है वो कहता है जहाँ पानी का प्रेशर है वहीं से पानी लो, अपने घर के बाहर से वो कनेक्शन नहीं ले पाता क्योंकि पानी वहाँ तक जाता नहीं है। एक व्यक्ति पाइप अगर गवर्नमेंट उस एरिया में पाइप डाल दे अपनी, तो गवर्नमेंट को पाइप डालने में अगर 10,000 लगते हैं तो पब्लिक के 1,00,000 रुपये लग रहे हैं पाइपें डालने में, 10-10 गुना पैसा पब्लिक लगा के पाइप आगे लाती है, उसके बावजूद पानी नहीं मिलता, लड़ाई झगड़े हैं हर गली में हर मोहल्ले में, एक ही समस्या है पानी, जहाँ पानी का प्रेशर सब वहीं पे आते हैं।